chump. Even. तो भाई साहब दांदना काट दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो जनाब, पिछले व्लॉग के अंदर हमने बनाई थी ये खूबसूरत सी छत, जो कि जानवरों के लिए बनाई थी अपने जू के अंदर। तो इंशाल्लाह इसके नीचे जो वुडन वॉल है ना, वो हमने अभी बनानी है। इंशाल्लाह वो भी प्यारी सी बनाएंगे। आज के व्लॉग के अंदर जो हम स्पेशल बनाने वाले है ना, हमने बहुत सारी जो ईंटे है ना वो इकट्ठा की है। टीम अपनी रेडी है। इन ईंटों के साथ हम बनाने वाले है खरगोशों का खूबसूरत सा घर, मट्टी और ईंटों के साथ है ना। इस जगह पे है अपने जू के अंदर खरगोश मैंने लाने हैं, तो उनके लिए उनका घर जो होना जो है वो बहुत जरूरी है। कच्चा घर होगा जैसे गांव में होते हैं, वो खरगोश भी ना कच्चे घर को ज्यादा पसंद करते हैं जिसके अंदर मट्टी होती है। जल्दी से ईंटों को थोड़ा सा साफ करते हैं, अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऐसे ही लगे रहे ना तो शाम हो जानी है, क्योंकि ईंटें जो है ना वो अपनी बहुत ज्यादा है। तो जल्दी से ना भाई साहब टाइम लैप्स लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईंटें जो है ना वो हमने साफ कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी उमर भाई जो हैं वो थोड़ी सी रह गई हैं, तो वो क्लियर कर रहा है। तो इंशाल्लाह इन ईंटों को यहाँ से उठाते हैं और वहाँ पे लेके चल। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, लेकिन खरगोशों का घर भी तो बनाना है ना इंशाल्लाह। तो अभी जल्दी से ना ये भी वहाँ पे फेंकते हैं। तो ये जो ईंटे हैं ना, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये पूरी आ जाएंगी। उठाते हैं और वहां से लेके चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो काम हमने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है। मट्टी की बारी आती है तो हम ना गीली मट्टी जरा थोड़ी सी बना लेते हैं। तो यहाँ पे न्याजी साहब थक चुके हैं, क्यों मेहर भाई? हाँ जी, बहुत थक चुके हैं आज। थक गए हैं। ठीक है यार, तो भाई साहब दांदना काट दे मिनट। Thank you.
अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी जो खरगोशों के घर की बुनियादें हैं ना वो हमने रख ली हैं, तो इंशाल्लाह अभी रात जो है ना इनको सूखने के लिए रखते हैं और कल इंशाल्लाह इनके ऊपर खरगोशों का घर है ना इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे। पंजाबी में इसको भाई साहब निया भी कहते हैं कि घर की नींद डाल ली, तो इसको सूखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट काम के लिए ना आपसे कल मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह हो गई, मेहर भाई जो है वो भी आ चुके हैं, अपना जो काम है ना कल वाला वो देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। हमने जो बुनियादे रखी थी ना वो देखे माशाल्लाह से सूख चुकी हैं, तो अभी ये वाला जो है ना ये भी अंदर से निकालना है। इंशाल्लाह अपना जो काम है ना वो अगेन स्टार्ट, कि ये भाई खरगोशों के घर के ना अंदर आ रहा है तो इसको निकालना पड़ेगा ताकि ये कल को मसला ना करे। बहुत ज्यादा यार नीचे गई हुई है इसकी, इतनी मोटी जड़ है और अभी भी टूट नहीं रही है, देखें हिल ही नहीं रही, इतनी मोटी जड़ है इसकी नीचे बिल्कुल सीधी गई। दरमियान से इसको फाड़ा और फिर ऐसे निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी मगरिब का टाइम हो चुका, अपना जो काम है ना वो हाफ कंप्लीट हो गया है। अभी छत भी पड़ी हुई है, दरवाजे भी इसके लगाने हैं और विंडो भी लगानी है। दूसरी वाली साइड जो है ना वो अभी रह गई है, तो जो है ना ये हमने दरवाजे बनाए हैं इसके, ये साइड है ना ये इंशाल्लाह सुबह बनाएंगे। अब बहुत थक गए हैं यार, कमर बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। खरगोशों का घर जो है ना वो इतना सा कम्प्लीट हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत ज्यादा हो गया। इंशाल्लाह आपको कल मिलते हैं और अगेन दोबारा स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगेन सुबह हो गई, आज हमें तीसरा दिन है और अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है ना खरगोश के घर वाला अभी तक चल रहा है। इंशाल्लाह आज बहुत उम्मीद है कि सारा कंप्लीट कर देंगे और आपको भी दिखाएंगे, बड़ा खूबसूरत बनने वाला इंशाल्लाह। अपना जो प्रोजेक्ट है ना वो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं। एक तो इसके अंदर जो मिट्टी है ना वो हमने डालनी है, एक ईंट के बराबर जो है ना वो हमने मिट्टी डालनी है। उस जमीन से ये जमीन जो है ना वो हमने ऊंची करनी है, इनके घर में जो पानी है ना वो ना जाए। इस साइड पे भाई साहब ये मुझे जाली मिली है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे इनकी एक विंडो बना देते हैं। धूप जो है ना वो आप देख सकते हैं कि बहुत तेज निकली हुई है और लड़के जो है ना वो अभी यहाँ से मिट्टी भर रहे हैं। और भाई मैं अपना पसीना जो है ना वो बार बार साफ कर रहा हूँ, बहुत तेज धूप है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी चार ट्रालियां जो है ना इसके अंदर जो डाल दी हैं। उमर भाई जो है ना वहां पे मट्टी अपनी बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम जो है ना अपना हाफ इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो गया है। घर जो है वो हमने खड़ा कर दिया है। इसकी छत रहती है तो उसके लिए हम कल जो है स्टिक्स इसकी बनाएंगे और साथ में छत डालेंगे, साथ में इसको बाहर से खूबसूरत बनाएंगे। ये जो व्लॉग है ना ये लेंथी हो रहा है, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है यार, थक जाते हैं। उमर भाई भी थक गए हैं, बहुत मेहनत करना। उमर भाई आपने लाइक जरूर करना, ठीक है, लाइक करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज।